भोजपुरी स्टार से सुपरस्टार बनने की रेस में सबसे आगे प्रदीप पांडे चिंटू। आज प्रदीप पांडे चिंटू के साथ भोजपुरी की हर बड़ी हीरोइन काम करना चाहती है, क्योंकि प्रदीप पांडे चिंटू की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्में जल्दी फ्लॉप नहीं होती और युवा चेहरों में प्रदीप पांडे चिंटू सबसे ऊपर है। और जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि आजकल हीरोइनें उनके साथ काम करना चाहती हैं, वो ये कि प्रदीप पांडे चिंटू ज्यादातर चर्चाओं में अपनी फिल्मों की वजह से रहते हैं, किसी कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं। खैर, ये तो प्रदीप पांडे चिंटू की शख्सियत की खासियत है, लेकिन क्या आपने कभी उनके फैमिली के बारे में जानने की कोशिश की है? तो चलिए आज हम बताते हैं कि प्रदीप पांडे चिंटू के पिता राजकुमार पांडे भोजपुरी के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। इसलिए प्रदीप पांडे चिंटू का फिल्मों में आना कोई संयोग नहीं था। प्रदीप शुरू से ही एक्टर बनना चाहते थे, इसलिए बचपन से ही चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रदीप को एक्टर बनाने के पीछे उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान है? जी हाँ, और शायद उनके एक्टिंग में जो निखार है वो उनकी माँ की बदौलत ही है। हाँ हाँ, हम जानते हैं कि अभी तक आपने उनकी माँ को नहीं देखा होगा, इसलिए हम आपके लिए पहली बार उनकी माँ की तस्वीर लेकर आ रहे हैं। ये है प्रदीप पांडे चिंटू की माँ, जिन्हें प्रदीप पांडे चिंटू भगवान का दर्जा देते हैं। तो चलिए बात करते हैं उनकी माँ के बारे में। तो उनकी माँ गृहिणी यानी कि एक हाउसवाइफ है और प्रदीप पांडे चिंटू के करियर को संवारने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। वैसे प्रदीप अपनी माँ को बहुत सम्मान देते हैं और अपनी माँ की पसंद की लड़की से ही वो शादी भी करेंगे। प्रदीप अपने सक्सेस के पीछे अपनी माँ का सबसे बड़ा योगदान मानते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।